वाला भी चल रहा है, अच्छा दोनों चल रहे हैं, वी आर वेरी बिग बजट गाइस, थैंक यू, इसको बंद करो, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को हंसते हुए देख के, शुक्रिया भाई, धन्यवाद धन्यवाद, सब लड़के ही कर रहे हैं, मेरी किस्मत में लौंडे लपाड़े लिखे हैं, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं खास तौर पे दूर दूर से ड्राइव करके, शुक्रिया जी, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आई लव यू टू, बट एक बार हस्बैंड से भी कंफर्म कर लू, शुक्रिया, बस ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद जी, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग यहाँ पे आके हंस रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि आप लोग खर्चा करके आए उसके बावजूद भी आपकी हंसी निकल रही, बहुत बड़ी बात है, तो जनरली आदमी का अपनी शादी पे 4 लाख ज्यादा लग जाए ना, उसको अपनी बीवी अच्छी लगती पहले 5-6 दिन, हनीमून डिले हो जाता है, उसको लगता है यार 50 लाख शादी पे खर्चा हो गया, प्यार महंगा तो नहीं पड़ गया, जो मेरी बहनें आई हैं, मैडम आप भी बैठ जाओ, अच्छा इनको पता होता है सीट कहाँ पे, जान कुछ के ड्रेस दिखानी हो, मेरी सीट कहाँ, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी बेबी, प्लीज हैव अ सीट, ये गोरी किससे बात करने आई है, ये हमारे घर पर मंत्र है ना कृष्ण ने जान पूछ के इसने कहा जैसे शुरू शुरू हुआ तो 2 गोलियां मेरे पास आ गई, 2 बातें पूछ के जाना, भैया क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा, पटेल साहब क्या बातें कर रहे हैं, गोली के साथ वाइफ कहाँ है आपकी, वाइफ को इतनी दूर भी क्या हो रहा है, पकड़ो पटेल कोटी में बांध के ले जाएंगे वो पता चलेगा, हाँ शुक्रिया धन्यवाद आपका, मैं जो लोग तो टिकट लेके आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग पास लेके आए हैं उनको चंद स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे टिकट सबको पता कहां से मिलनी है, ऑनलाइन बंदा कर सकता है, पास वालों को जुगाड़ करना पड़ता है, वो प्रमोटर का ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं जिसको मना ना कर सके चीजें नहीं, पर मैं अपने लोगों को बड़ा प्राउड फील होता है, जो लोग अमेरिका में आकर ग्रीन कार्ड का जुगाड़ कर सकते हैं उनके लिए पास रेंज करना कौन सी बड़ी बात है, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, बड़ा खूबसूरत शहर है आपका ऑरलैंडो, लव यू सर, जो शुक्रिया धन्यवाद, बड़ा खूबसूरत शहर, बच्चों के लिए तो हेवन है, मतलब डिज्नीलैंड यहाँ पे, वाटर पार्क है यहाँ पे, इतने सारे बच्चे समुद्र में ठहरा हुआ है, इतने सारे स्विमिंग पूल थे, बच्चों के खेलने के लिए बहुत कुछ है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए, गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान रखा है, यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह 3 घंटे की ड्राइव माइंड भी बच्चों के बाप के खेलने के लिए भी जाए, और जो लोग ऑरलैंडो नहीं आते पहले शादी नहीं हुई जो सीधा मायने जाके खेल कूद करते हैं और कभी कभी ज्यादा खेल कूद कर लेते हैं 2 साल बाद उनको भी ऑरलैंडो आना पड़ता है बच्चों को सारी दुनिया में देखा कोई गाड़ी में जा रहा है कोई बाउली में जा रहा है 2 ही जगह मैंने लोग देखे हैं मार मतलब इतना मेरे होटल में जहां पर लोग ठहरते हैं 7 तरह के स्विमिंग पूल थे बच्चों के लिए अलग बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए अलग लेडीज के लिए अलग बुजुर्गों के लिए अलग हम तो वहां पे आपको पता है हम पले पड़े हम तो फैंसों के साथ नहा लेते हैं लेकिन जितने खतरनाक स्विमर इंडियन होते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो पता ना निकलेगी जो अंडर हमारे इंडिया में ना आप बीच में जाके पता चलता है कौन सी कंपनी का अंडर इंडिया में चल रहा है घर से लोग जो अपना पहन के घुस जाते हैं लेकिन उनको टेक्निक बड़े बता दिए इंडियन लोग ये कभी लहरों के अगेंस्ट नहीं तैरते क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना जिस तरह लहर चाहते उसी तरह तैरेंगे क्योंकि अगर आप लहर के अगेंस्ट तैरें आप आगे निकल जाओ एक अच्छा पीछे रह जाता है इस टूर की शुरुआत हमने डेल्लस से की थी आज यहाँ पे हमारा लास्ट शो है ऑरलैंडो थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए बड़ा सक्सेसफुल जब हम डैलस आए थे बस काफी 7-8 साल बाद हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यूएस में तो जब डैलस आए थे तो डैलस में पहले तो मैं आदमी नजर नहीं आया डैलस के बाद में भावते बड़ी बड़ी थी एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास था भी बड़ी बड़ी सड़कें बड़े बड़े ब्रिज दिनेश ने कोई ना फेसबुक की लड़की पाई हुई टेक्सास की देखी नहीं थी वो मिल जाएगी वो भी बड़ी हुई थी उम्र की फिर इसने उसको बताया कि दिनेश मेरे बाप का नाम है इसने बाप की तरफ कन्वर्ट कर दी कहता नुकसान क्यों जाना 3 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर पहले पहले दिन ना हम घबरा गए तो डैलस में बंदे नहीं नजर आ रहे थे जनरली मतलब मैं हैरान रह गया गए पे ना बिल्डिंग बना के बड़ी बड़ी सड़कें आई पर ना एक चीज मुझे अच्छी लगी डैलस में ना स्टेट टैक्स नहीं था आपको पता ही होगा
वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना यहाँ की, पहले शहर बसाओ, अच्छी अच्छी सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ताकि लोग जब बसें को प्रॉब्लम आए, हमारे उल्टा होता है, पहले बस में देते हैं, बस क्या जाओ फंस जाते हैं, फिर इनको याद आता कि सड़क तो बनानी भूल गए, घरों के बीच में से सड़कें निकालते हैं। कभी कभी आप देखना इंडिया जाओ ना, हाईवे जब बनते हैं तो दोनों तरफ से आ जाते बाथरूम करने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट देखे लोगों के, लोग कपड़े भी सुखा के बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता कि अपार्टमेंट में अंदर कोई रह रहा है कि नहीं है, बिक गए हैं कि नहीं बिक गए। हमारे तो अगर अपार्टमेंट में कपड़े सुख रहे हैं, वहीं से पता चल जाता है घर में कितने लोग रह रहे हैं। एक साड़ी, एक पिताजी की धोती, एक चड्डी, एक बनियान, का मतलब चार घर बनाए। अगर फिर भी कहा बात कर तो बनियान कर लू, ये बड़ी क्षेत्र से देख सकते हो आप कि कितने लोग रह रहे हैं। पास पड़ोस में तो बात ही नहीं करते बोले, है ना। और हमारे बुजुर्ग लोग जब अपने बच्चों के पास आते हैं यहाँ पे, अपने पोते पोते के पास, उनका मन नहीं लगता, क्योंकि किससे बात करें, बात आस पड़ोस वाले बात नहीं करते ना, कोई ठेले वाला आता सब्जियों वाला कि बंदा उससे मार मोल भाव कर ले, तरह तो तरह की मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले। यहाँ तो सालों आप रहते हो, अंग्रेजों को पता चलता आपका पड़ोसी कौन है। हमारे बुजुर्ग तो इतना पहचान लेते हैं पड़ोसियों को कि जब रिटायरमेंट के बाद गली में बैठे होते ना, तो कोई औरत पीछे से जा रही उसकी गर्दन का तिल देख के बता देते हैं। हमारे लोग थोड़े शरारती भी होते ना, लेकिन मैं एक बात बताऊं, सफाई बड़ी है अमेरिका में, इतनी सफाई मेरा दम घुट रहा है। एक लेडी को देखा, एक पप्पी को लेके जा रही थी कुत्ते को बाहर, उसने ऐसे लीश के साथ लीश भी बड़ी कमाल की, और कुत्ता भी पूरा फौज रहा, ये नहीं कि हमारे क्लास में बात नहीं कर रहा है, लेडी ने हाथ में पॉलिथीन पकड़ा हुआ था। मुझे लगता पता नहीं है उससे इन्फेक्शन की डर से नहीं नहीं है। अगर इनकेस अगर आपका डॉगी टूट कर दे तो वहीं पर उठा के सफाई करके, मतलब वाओ अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ उल्टा होता है कभी कभी, आपने पता लेने जा रहा ना, अपनी पैंट उतार के बैठ जाता हूँ, क्योंकि हर चीज उनको बिना मांगे मिल जाती है। हमारे इंडियन कुत्ते होते हैं स्किल वाले, उनको पता है हमारे लिए वो गार्डन है नहीं, इंसानों को गार्डन में घुसते हैं, रेलिंग लगी होती है, फिर वो ऐसे घुसते हैं ना, हमारे कुत्तों की फ्लेक्सिबिलिटी देखना नोरा फतेह से ज्यादा है, ऐसे करके घुसे भी ना। दिनेश तो मुझे कह रहा था कुत्तों की बड़ी इज्जत है, यही भी शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने भी देखा जिंदगी में कुत्तों के लिए अलग से मूल, कुत्तों के लिए खाना तो होता ही, मुझे पता था खा लेंगे, हमारे पांडे पांडे खड़ा होकर खा लेगा। आपने आई थी इतने सालों में पहली बार कोई खराब चीज देखी होगी यहाँ पे। कुत्तों का फोटो लगा, मैं इसको बता रहा था, मैं कहा ये देख हमारे यहाँ पे गाँव खेड़ों में कहाँ बुजुर्गों को बताया कुत्तों को क्या अलग खाना खिलाना, वही दाल टुकड़ खा रहे हैं अदरक वाली, वही कुत्ते को खिला देते हैं अदरक वाली दाल, खा खा के ना चार साल बाद कुत्ता भी अदरक जैसा हो जाता है, चार साल बाद ये पांडे की अपनी दाल खिला देता कुत्तों को, दाल मखनी खिला रहा था उसको। पांडे कुत्तों का फूड अलग होता है, ठीक है, दाल मखनी नहीं खिलानी। पर मैं एक बात बताऊं, हमारे इंडियन कुत्ते जो होते हैं ना, उनकी इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि हल्दी इतनी खा लेते हैं अंग्रेजों को तो पता नहीं कैसे में खा रहे हैं। हमारे कुत्ते हल्दी वाली दाल खाकर इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है ना, चार गांव के कुत्ते मिल जाए ना चीता पीट देते हैं, इतनी ताकत होती है। इंडिया में किसी को फोन कर रहा है, हाँ 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 जी जी हम चिकागो पहुंच गए, उसने भी मान लिया, क्योंकि जो इसको फोन कर रहा है उसकी इंग्लिश कौन सी अच्छी होगी। और मैंने इसको बोला, कहता सी एच आई मतलब जरूरी है चिकागो, शिकागो, कहता शिकागो, मैं कहा हाँ। फिर थोड़ी देर बाद एक इंडियन जा रहा था, उसको कहता भाई बात सुनो, मुझे ना शिकु शु शेक पीना है, शिकु शेक जा पांडे। पर मैं मुझे एक बात की बड़ी खुशी होती है आप सब लोगों की वजह से, हमें तो प्राउड फील होता है, इस देश की तरक्की में भी आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा नाम कमाया, और
भाई आप लोगों का प्यार है जो हमें खींच लाया। पर अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो ये शोज जो है 2020 में होने वाले थे, तो एडवांस हमने 2020 में ले लिया था, बीच में कोविड हो गया, ऊपर से पटेल साहब की याददाश्त भी नहीं गई। रोज मुझे व्हाट्सएप पे गुलदस्ता भेजते थे, गुड मॉर्निंग छू मैं आ यार। ये गुजराती लोग ना गुलदस्ता भी पता व्हाट्सएप पे कौन सा खर्चा आता है, असली फूलों का भेजना होता तो ये शो से महंगा पड़ जाता है। याददाश्त बड़ी गुजराती लोगों से, ये याददाश्त मुझे चुटकुला याद है सुनाता हूँ। ये पांडे हमारा ना थोड़ा दारू का बड़ा शौकीन है, इसके सपने में भगवान आए, कहते तू ना बंदा बड़ा अच्छा है कलाकार आदमी, लेकिन दारू बड़ी पीता है। 75 साल की उम्र में तेरे साथ एक चीज होगी, या तो तेरी याददाश्त चली जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे। बोल क्या करूं, कहता जी प्रभु हाथ कप कपा दो याददाश्त नहीं जाने देना। कहते क्यों, कहता अगर हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक पैक नीचे चल जाएगा, अगर मैं यही भूल गया बोतल कहां रखी है तो फिर काम खराब है। हो गया शुरू आपका, तो बियर बियर पी लेते हो तो बाद में आउटपुट कहां से क्या क्या करते हो उसके लिए, पॉलिथिन लाया। अच्छा नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, पियो पियो शाबाश आपके लिए, जो मेरा बाद में म्यूजिकल माहौल बनाएंगे जब सेट करेंगे। नहीं नहीं आप पियो मुझे मत पिलाओ, मैंने पी ली फिर मेरा शो नहीं देखूंगा। लास्ट टाइम हम लोग कैनेडा अमेरिका आने वाले थे तो हम लोग कैनेडा शो होके चले गए, बिकॉज वीजा वीजा का कोई इशू हो गया था, क्योंकि पोस्ट पैंडमिक ना अंग्रेज काम पे नहीं आ रहे। मैंने पूछा मैंने कहा अमेरिका में वैसे में प्रॉब्लम क्या है, कहते थे सब मैन पावर बड़ी कम है, आदमी बड़े कम है, काम नहीं हो रहा, हमारे उल्टा हमारे आदमी इतने ज्यादा इसलिए नहीं काम होता कभी कभी। पिछली बार कनाडा आए, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, अमेरिका की गवर्नमेंट ने कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को पैसे देने शुरू कर दिए कि जाओ है ना कनाडा, हेलो कनाडा कैसे आप ही आए, आपको मना किया था बताना फिर आपको। यहाँ के लोग गवर्नमेंट ने अंग्रेजों को पैसे देने शुरू कर दिए, अब लॉकडाउन था बाहर खर्च नहीं कर सकते थे, अब लॉकडाउन हटा तो खर्च करने निकल गए, कोई काम नहीं आया। सीरियसली हम लोग टोरंटो उतरे ना कोई चेकिंग कराने वाला ना कोई यू नो बोर्डिंग कार्ड बना कर, तो डर करके जहाज भी खुद ने उड़ाना पड़े। सीरियसली मैं एक आदमी मिला सूटकेस नहीं आ रहे थे हमारे, एक आदमी मिला कहता मेरे सूटकेस नहीं आए, एक और आदमी मिला कहता मेरे भी सूटकेस नहीं आया, एक सूटकेस मिला कहता मेरा तो बंदा ही आया। एक गुजराती चला जा रहा था दो सूटकेस लेके, मतलब तुम्हारा कैसे आ गया, कहता मानो एक पूछे दूसरे दूर लेने जाऊँ सुना, वही आ रही हमारा प्रमोटर है। अमेरिका की एक और चीज बड़ी खासियत है, यहाँ देख के ना पहचान नहीं सकते, जैसे हमारे यहाँ पे देख के पहचान नहीं, पंजाब का होगा ये फलाना होगा ये, यहाँ पता नहीं चलता कौन टेक्सास का है कौन न्यूयॉर्क का है कौन यहाँ का है ना। लेकिन हमारी खासियत है, हमारी देश की खुशबू ऐसी, आप इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैठ जाओ पता चल जाता आपको इंडिया के कौन कौन से कॉलेज से बोलते, आपको फ्लाइट के कोने से अगर थेपलों की स्मेल आ रही है समझ जाओ गुजराती सफर कर रहे हैं, एक तरह से इडली सांभर रसम की समझ जाओ सिएटल वाले वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले सब दिल्ली में वो ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर हाथ टेक ऑफ हुआ सीधा भी नहीं हुआ और एक आदमी टेढ़ा हो गया समझ लो पंजाब वाले भी हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं जो इंटरनेशनल पैसेंजर होते हैं, जहाज सीधा होने के बाद दारू शुरू करते हैं, क्योंकि 3-3.5 दिन तक हम सीधे रहते हैं, फिर 4-5 आके लाउंज में लगा लेते हैं, फिर इतने सेट हो जाते हैं, फिर एयर होस्टेस में अपनी बीवी देख रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का फ्लाइट में चढ़ने से पहले एक बार फिर से बोर्डिंग कार्ड चेक होते हैं, नहीं तो ये सीरियसली किसी और फ्लाइट में चढ़ जाए, क्योंकि 6 पैग लगने के बाद आदमी एयरलाइंस देख के नहीं चढ़ता, एयर होस्टेस देख के चढ़ता है, एयर फ्रांस वाली ठीक लग रही है। मैंने गुजराती आदमी से पूछा, मैंने कहा हम तो वाया दुबई आ रहे हैं, वैसे डायरेक्ट फ्लाइट लेनी हो तो कितने घंटे की, कहता भाई 14 घंटे लगे। एक पंजाबी था, मैं कितने घंटे की फ्लाइट है, कहता भाई 9 पैग। यही नहीं कि सिर्फ हमारे देश में लोगों की खुशबू आती है, आप दुबई तक आओ, दुबई तक तो सारे अपने लोग होते हैं, दुबई के बाद जब इंटरनेशनली लोग चढ़ने लगते हैं उनकी भी अपनी खुशबू होती है, और दुबई वालों की तो कुछ ज्यादा ही होती है। मेरे साथ एक अरबी शेख बैठ गया, इतना स्ट्रांग परफ्यूम लगा मेरे नाक के बाल जल गए, मैंने अपना परफ्यूम निकाला क्योंकि 5 मिनट बाद उसने चढ़ गया मेरे ऊपर। ये दिनेश की सीट आ गई है गुजराती भाई के साथ, हम लोग अमेरिका पहुंचे, मैंने कहा जेट लैग उतर गया, जेट लैग पता नहीं जा रही है।
पर मुझे ना एक बात अच्छी जो लगती है, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ, जब हम कहीं बाहर मुल्कों में जाएं, जो वहां की कुछ अच्छी चीजें वो अडॉप्ट करें और जो हमारी कुछ अच्छी की इनको सिखा के जाएं। इनकी एक चीज बड़ी अच्छी, यूएस में हर इंसान यहाँ पे बराबर है, हर इंसान, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो। बहुत अच्छी बात है, कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, सबके कपड़े उतरवा देते एयरपोर्ट पे। जो आदमी सूट वूट में घूम रहा था, जैसे वो एक्सरे मशीन आती है उसके बाद बार दिखा करो आप, एक जूता हाथ में पकड़ा, एक पैर में बसाया, एक लैपटॉप वाला बैग और ऐसे करके जा रहे ना, लगता है कि एयरपोर्ट पे खड़े, ऐसा लगता है सस्ते होटल में पुलिस की रेड पड़ गई। किसी के भी कपड़े उतरवा लेते हैं। हमारा पांडे तो अंडरवेयर ही तब पहनता है जब यूएस आता है। अमेरिका का तो वीजा वैसे इतनी इजीली मिलता नहीं है। मैंने इनको खास तौर पे दिनेश को मैं ये बिठा, दिनेश हाथ खड़ा करें जरा, हाथ तो ऐसे छोड़े, बड़ी इलेक्शन जीत गया। इनको मैंने समझाया था, मैंने कहा वहां पे ना दो तीन चीजें याद कर लो, तो वैसे तो सबको उनको नोटिस किया हुआ है कि हम लोग ना पिटीशन गई हुई है कि शो के लिए जा रहे हैं, पर उससे पहले भी एक बार हम लोग आए थे, तो मैंने कहा तुम दो तीन सवाल तो रटा मार लो, तुम पूछेंगे ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, बोल देना कि टूरिस्ट और फॉर हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे देयर, बोलना 30 डेज। वो अंग्रेज आदमी, उसके मन की कोई और भी सवाल पूछ सकता है। इन्होंने याद कर रखा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टूरिस्ट, हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, 30 डेज। उसने पहले ही सवाल पूछ लिया, कहता व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये कहता है टूरिस्ट। फिर उसने कहा कि हाउ ओल्ड यू आर, कहता 30 डेज। तो वो तो इसके मुंह पे वीजा देने वाला था, मैंने बचाया उनको। अच्छा, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमें बुला लेते हो, हम भी आ जाते हैं बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में बैठ के। नहीं तो मेरे याद है जब 2008 में पहली बार मैं आया था इकोनॉमी क्लास में बैठ के, 20 घंटे बैठ के कोई आदमी इकोनॉमी क्लास में कैसे एडजस्ट करता है, उसी का टैलेंट है। पीछे बेचारे सीट आम रस्ते पे आम रखने के लिए लड़ रहे होते कि जर्मनी तक तू रख ले, फिर मैं रख लूंगा। फिर कोई मानता नहीं, जीतता वही जिसके चार पैक लग जाते, वो नहीं फिर मानता। और आपको क्या, दारू पीने के बाद फैल भी नहीं सकते आप, इस तरफ नहीं फैल सकते, फैलोगे तो आगे की तरफ, तो आदमी पी के ना आगे की तरफ फैलता है धीरे धीरे, अपनी टांगे आगे वाले की सीट के नीचे से निकालता है, आगे वाले के भी दो पैर लगे हुए हैं, वो भी हैरान होता है टांगे मेरी दो पैर मेरे चार कैसे हो गए। तो वो कभी कभी गलती से अपना फीता बांधना होता जूते के लेस से दूसरे के बांध देता, समझ नहीं आता। ये एयरलाइंस वाले बड़े चलाक होते हैं, ये अखबार होती है ना बड़ी वाली, ये देते बिजनेस क्लास वालों को, क्योंकि वही खोल सकते हैं पूरी। इकोनॉमी वालों को मैगजीन देते हैं जो आम रास्ता की होती है, शोल्डर लेवल के ऊपर जाती है। और मैंने देखा है फर्स्ट क्लास वाले जो होते हैं ना, जो फर्स्ट क्लास वाले, ये पता नहीं फ्लाइट में कब चढ़ते हैं, नजर नहीं आते हैं। कब चढ़ते हो आप लोग, ये एक्चुअली लैंडिंग के समय नजर आते हैं, इनका रिएक्शन नहीं बनता, कभी उनके साथ ज्यादा कॉन्वर्सेशन हुई नहीं। एक तो ये वैसे अमीर होते हैं, बिजनेस अपने अपने होते हैं, ऊपर से वो बंद कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा फर्स्ट क्लास होता है क्या करते हैं अंदर, ये सिर्फ लैंडिंग के टाइम नजर आते हैं क्योंकि फ्लाइट में सबसे आगे होते हैं। तो ये जब अपना बैग उतारते हैं ना, अपना लुई विटॉन का बैग, तो पीछे देखते हैं पूरी लंबी फ्लाइट, इनका इतना सा रिएक्शन होता है। उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, पता नहीं पायलट के गांव के ले जाता है इनको। बिजनेस क्लास में जो ट्रैवल करता है आदमी, देखो आप उसका अलग ही एटीट्यूड होता है। 16 घंटे लेट के आया फिर भी स्ट्रेचिंग ऐसे करके जैसे कुछ चला के मेरा जैसा बंदा बेचारा फ्लाइट लैंड की कोई नखरा नहीं होता, एक हाथ उसका बैगेज में होता है निकालना, दूसरे हाथ से पैंट निकाल रहा था जो अंदर जेल में। आप 16 घंटे लगातार बैठे रहो, 4-4 इंच तक पैंट अंदर चली जाती है। फर्स्ट क्लास वालों का ना कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, ये पायलट को बुला लेते कभी कभी, एयर होस्टेस को बोले वाह और डॉक्टर लेते हैं, सो मच नर्वस, इट्स नॉट डन, नो नो इट्स अ सेकंड टाइम, इट हैपेंड इन पेरिस आल्सो, पायलट भी समझा के जाता है उसको। हमारे तो कॉमन क्लास वालों को बेचारे कॉन्फिडेंस नहीं होता, एयर होस्टेस भी आए तो खुद ही उड़ जाते, आपको जो चाहिए मिल जाए, क्योंकि एयर होस्टेस सुंदर आ जाए, लगता ही नहीं कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं। इतनी सुंदर लड़की से सेवा करवानी हो, इंडिया में आपको ISIPS बनना पड़ता है, तो आदमी घबरा जाता है। सीरियसली
एक तो फ्लाइट बड़ी लंबी यहाँ पे, एक बार आदमी आ जाए ना उसका जाने का दिल नहीं करता, और पहले एक दो दिन उतरते तो चिड़ा चिड़ा सा रहता है आदमी जेट लैग की वजह से ना, ये अभी उतरा ही था इसकी बीवी का फोन आ गया देश की का, यदि मेरी क्या ला रहा यहाँ तलाक बड़े सस्ते मिलते ले अच्छा तो पहली जनरेशन आती ना अमेरिका कैनेडा, मैं क्योंकि मैं बेसिकली फ्रॉम अमृतसर पंजाब, तो मेरे आस पास उसका गाँव वाले मैंने बड़े देखे, शुक्रिया सिटी आपकी निकल रही है बहुत अच्छी है, ये निकलती रहनी चाहिए, अच्छी बात है सिटियाँ निकलती रहनी चाहिए, और जहाँ से निकलनी चाहिए वहीं से निकले खुशी से निकले बहुत अच्छी बात है, जब कमजोरी से निकलने लगती है वो बड़ा दर्द मिलती है, जब पहली जनरेशन आती है ना, जब पहली जनरेशन अमेरिका आती है, पहली जनरेशन जब आती है उनकी ना इंग्लिश में पंजाबी आती है, बुरे लोगों ने देखा आर वर्ड तो साइलेंट ही होता है इनका, हे हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, हमारे लोगों की हम पूरी बोलते हैं कि माय सेल्फ हरजिंदर सिंह फ्रॉम जलंधर, कमिंग हियर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि हमने सीखी मर मर के हम कैसे साइलेंट कर दें, मतलब ही नहीं है, उसके बाद जब इनके बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप घर पे पंजाबी बोलते हैं, पढ़ते ये गोरे बच्चों के साथ है, फिर ये जब पंजाबी भी बोलने की कोशिश करते हैं उसमें इंग्लिश आने लगती है, बिल्कुल एक मेरे दोस्त का बेटा है मुंबई हमारा शो देखने, कहता चाचू मैं थोड़ा शो देखने आया, यू नो व्हेन आई लैंडेड द मुंबई सो मच क्राउडेड, आई सेड इन द कार ओपन द विंडो एंड आउटसाइड देयर आर पीपल आर पीपल हाँ तो तब हुई और लास्ट में एक गोरा मिला मुझे एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे, कहना ग्रो थोड़ा शो है थे हमारे लोगों ने वहां उनको पंजाबी सिखा दी, लेकिन सच कहूं बड़ा ही साफ सुथरा शहर है, मजा आ जाता है, और पता नहीं ये लोग कब आके सफाई कर देते हैं, ये मैंने देखा भी नहीं किसको सफाई करते हुए, मेरे रूम में सुबह एक हाउसकीपिंग वाली आई सफाई करने होटल में, कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप से आई, गोरी लेडी थी उसका वैक्यूम क्लीनर भी गोरा ही था, उसका भी कोई शोर शराबा नहीं, आदमी डरा डरा रहता है बीवी ने पोछा लगाया, तो पैर भी ऐसा रहता है डायनामाइट बिछाओ, एक औरत पोछा लगा रही उसको पति ऐसे आगे गीले पैर चाह दिए, लोहे की बाल्टी डाल के गर्दन में मारी, पति वहीं मर गया, पुलिस पकड़ जाए उसके ऑफिसर ने फोन किया पुलिस वाले को, लेडी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, कहते कर रहे हैं कि बस पोछा सूखने की वेट कर रहे हैं पोछा भी सूखा नहीं है बाल्टी अभी भी उसके हाथ में है, मैं जैसे कह रहा था ना कई चीजें सीखने वाली यहाँ पे, तो वो जेन्युइन मेरा कंसर्न है, एक कायदा है यहाँ पे, आप किसी को जानते हो नहीं जानते हो लिफ्ट में मिल जाओ फिर किसी को गुड मॉर्निंग, नहीं भी जानते हो बुलाते, अच्छी बात है यार बड़ी अच्छी बात है, ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है आप ना एक्सप्लोर करते हो दुनिया को, आपके घर में अगर काम वाली वैसे तो यहाँ पे कल्चर ऐसा है ना, पर आ जाए तो हर एक काम की रिस्पेक्ट है, आपके घर में काम वाली है गुड मॉर्निंग लीजा यूर किंग फ्रेंड, अपनी वाइफ के सामने कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट लेती है थैंक यू काम करते नहीं होती, इंडिया में आप अपनी काम वाली को अपनी काम वाली को कॉम्प्लीमेंट दे के देख लो आपकी बीवी आपकी माँ घर ना कर दे, क्योंकि हमारे मन भी बड़े शरारती है ना, इनकी आंखों से इंटेंशन पता चल जाती है कि बीवी के सामने कब कॉम्प्लीमेंट करें उसको देखे ही नहीं काम वाली को, बीवी का भी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे घर से बदल पर उसको बदल, लेकिन बीवी अगर किचन में गई ना फिर ही जाते काम वाली के पीछे, आंखों से पता चलता है इंटेंशन का, कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना हमारे हम एक बात जो मैं मिल सकता हूँ हमारे हस्बैंड भाई इंडिया में जितना भी लड़े लेकिन प्यार बड़ा है, गोरों में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है गोरे लोग ज्यादा लड़ते नहीं है, मतलब अगर इनका झगड़ा हो भी जाए ऑन पेपर होता ज्यादा कि यू हैव टू आई सी आई सी इन द कोर्ट है ना, ऑन पेपर होता है इनका झगड़ा, हमारे यहाँ ऐसा झगड़ा होता है सुबह ऐसा लगता है एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे,
और जो सुमिर बोल रहे थे ना कि एक दूसरे को नहीं देखेंगे, शाम को इतना करीब से मुंह देख लेते हैं, घर में तीसरा बच्चा आ जाता है। इतना मर्जी लड़ाई करें, जिंदगी साथ में बितानी है। फिर 10 साल बाद जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप फिर लड़ रहे होते हैं, फिर बच्चा आगे बोलता है पापा आप सॉरी बोलो, फिर बाप को गुस्सा आता है, तू तो बोल ही ना, साले मैं सॉरी बोलने गया था तू हुआ। शुक्रिया। हमारे यहाँ ना वाइफ और हस्बैंड में झगड़ा इस बात का होता है कि वाइफ को ये लगता है कि तुम मुझसे बात नहीं करते। मैं अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरी वाइफ बिल्ली को मैं 15 साल से जानता हूँ, 5 साल हमारी शादी हो गए, बातें हमारी पहले 2-3 साल में खत्म हो गई थी। वो तो शादी का आदमी खींचता, उसके बाद एक्चुअली क्योंकि सारी बातें कर चुके होते, शादी से पहले आप अपनी गर्लफ्रेंड से आदमी लोगों को सो रही है, मैं आपको इस मुंह पे बोलता हूँ, हम ही लोग बिगाड़ते हैं पहले, पर तो सारी सारी रात फोन चलते रहते हैं, बीबी कैसी हो, मेरी बेटी ने खाना खाया है ना, हाँ क्या खाया, पता नहीं क्यों कौन सी बातें करते, पहले तुम फोन रखो, देख के चलते। अच्छा सुनो, फोन ही करते सख्त सरा, वही लक्षण जब आपकी बीवी बन जाती है फिर बातें इतनी होती है, हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी, अंग्रेज लोग किसी भी अपने काम से मतलब रखते हैं, जैसे लेकर कैमरा मैन चुपचाप बैठा हुआ, इसको कोई लेना देना नहीं, क्या हो रहा है। ये लोग मियां भी मैंने देखा बीच पे चले जाओ, ज्यादा बात नहीं करते, एक टेबल लगा हुआ है वो बिकनी पहन के अपना सनस्क्रीन लगा के धूप सेक रही है, पति 2 टेबल छोड़ के अपना लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है, बीच में पता नहीं क्या दिमाग में आता है लैपटॉप बंद करके जाता है, ये पता नहीं अलार्म लगा के किस करते हैं। इसी बीच में हमारी अम्मी आया हुआ जहां पर दर धूप सेक रहे, अपने बच्चों को चटाई बिछा के भुट्टे ले देते दो, और खुद यहाँ पूरी किताब पढ़ रही, जहाँ पूरी की किताब पढ़ रहे होते हैं, अरे लोग अपना टिफिन लेके आए, उनको कोई मतलब नहीं किसी के टिफिन में क्या है ना। हमारे लोग थोड़े शरारती भी होते हैं कई बार, ये ऐसी कौम है हमारी, अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं 2 बच्चों के साथ, फिर भी साइड मिरर में देख के दूसरी ऑफिस उतार देते हैं, किताब भी जा रहा है मोटरसाइकिल पे, 2 बच्चे, एक बच्चा पेट्रोल की टंकी में बिठाया हुआ, यहाँ पर बिठा नहीं सकते आप, अच्छा जो बच्चा पेट्रोल की टंकी में बैठा ना उसकी निगर इतना पेट्रोल सोख लेती है ना, माँ जब धोने की रगड़ती ना चटी आग पकड़ लेती है, एक बच्चा आगे उठा फिर बैठा फिर पीछे बच्चा फिर पीछे बीवी, फिर साइड मिरर से दूसरी औरत को उतार देते हैं जो स्कूटी पे जा रही है, बीवियां भी इतनी तेज होती ना बातों बातों में दूसरी वाली को भी सुना देती है, पीछे बैठी देखिए पति उसको देख रहा है, ध्यान से चला, 3 बच्चों के बाप अगर तुमसे स्कूटर नहीं चल रहा, 3 का है मेरे तो 2 है, कहती एक तो तुमने उसके साथ सोचा मैंने वो भी मिल गया। एक बार मैं और कहूंगा हमेशा कि हम लोग जितना मर्जी हंसी मजाक मियां बीवी के ऊपर जोक्स क्रैक करते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, लेकिन जो प्यार समर्पण की भावना हिंदुस्तानी औरतों के मन में अपने पतियों के लिए मिलेगी पूरे विश्व में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये भी सच है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, आप देखो पूरी दुनिया में चले जाओ कहीं कहीं ऐसा कल्चर नहीं है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत रखता हो, डेविड रखा तुम्हारी बेटी ने नहीं है ना, लेकिन समय के हिसाब से उसमें भी कैसे बदलाव आता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला करवा चौथ नई नई शादी हुई, 3 महीने बाद करवा चौथ आ गया, बीवी ने हाथ में थाली पकड़ी, चांद निकलने का इंतजार कर रही है, जो लोग इंडिया से नहीं उनको बता दूं कि चांद निकलने पे खाना खाया जाता है पानी पिया जाता है ताकि पति की लंबी उम्र हो, पहला करवा चौथ बीवी ने तो रखा रखा है पति वैसे रख लेता है, वो बोलती है बीवी आप तो खाना खा लो, अरे मैं कैसे, मेरा चांद भूखा रह रहा मैं कैसे खा लू, पहले साल में ये होता है, उसके बाद 3-4 साल निकलते छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है, थोड़ा सा चांद कम हो जाता है, लेकिन औरतों को सुनिंदा फिर व्रत रखती है, हाथ में थाली पकड़ी है करवा चौथ का, चांद निकलने का इंतजार है, फिर थोड़ी सी तलखी आई थी बेबी बेबी वर्ड हट जाते हैं, ये पहले 2-3 साल वाले बेबी सुनना ये डिलीट होते हैं, फिर बिट्टू के पापा पता तो करो चांद कभी निकलेगा, होता है आप बता रहे 3:30-9 निकलेगा, आए निकला ट्रैफिक गुस्सा हो आ जाएगा कोई गलत, फिर 8-10 साल निकलते बच्चे बड़े हो जाते हैं, औरतें बेचारी घर के काम में बिजी, ये वो कितनी चीजें मैनेज करनी होती है, फिर सल्यूटेंट को फिर व्रत रखा होता है, जबान में तलखी आ जाती है, पता तो करो चांद कभी निकला मेरा मुंह सूख रहा है, आदमी भी 10 साल में भड़क चुका होता तब तक, क्या चांद
चांद मेरे बाप के घर से निकलता है। कहां से पकड़ के निकालू मैं चांद को, जब निकलना आगे निकलेगा मेरे से क्या कुछ भी है। वो और बढ़ती है, तेरे बेड़ा कर करने के लिए रखा, कुछ शौक नहीं है। अभी एक गोल गप्पा खाऊंगी, पसंद करके रख दूंगी मैं। फिर एक टाइम आता है, शादी को 50 साल हो गए, मोटा मोटा पकड़ो 25 साल की उम्र में शादी हुई होगी, 75 का 50 साल शादी को हो गए, 75 के पापा जी हो गए, 75 की आंटी होगी, दोनों मिला के 150 साल का जोड़ा। पापा जी रिटायर हो गए बिजनेस से, बाहर चार पाई जैसे अपने नॉर्थ में होता है ना इंडिया में, बाहर चार पाई डाल के बैठ जाते, काम तो कुछ होता नहीं, बिजनेस है तो बच्चों को दे दिया, नौकरी रिटायर हो गए क्या करें, बाहर चार पाई डाल के बैठ जाते हैं अपने पुराने प्रश्न को देख देख के, टाइम पास होता है, टाइम पास कैसे करते हैं, पत्थर उठा लेते हैं, कुत्ते निकल रहे हैं उनको निशाने लगाते रहते हैं, निशाना लग गया मैं बुढ़ा खुश, नहीं लगा मैं कुत्ता खुश, इनका 75 साल की उम्र भी हमारे वहां पर बुद्धि है, बल्कि लंबी उम्र की व्रत रखती है, कमर थोड़ी टेढ़ी हो गई, सुनने की शक्ति अंदर से बात देती है, वो सारी उम्र का बड़ा बड़ा होता है, उसके बाल बढ़ गए, वो फिर बोलता है ये तेरी मां का खाना है। दो तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ एक आपकी पत्नी, तू बजा ले पहले। ये क्या है? तो दो तरह की औरतें जो सर पे हाथ फेरती है, एक आपकी माँ एक आपकी बीवी, फर्क सिर्फ ये है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी से कम फिरवाया तो आप। अच्छा हम लोग कहते हैं कि यार पूरी जिंदगी आप अपनी बीवी के साथ निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, झगड़े भी होते हैं, अंग्रेज लोगों में फ्रस्ट्रेशन होती है। लास्ट दिन मैं अपनी बीवी के साथ बैंगलोर में घूम रहा था, एक 70 साल का आदमी अपनी बीवी को किस कर रहा है, मेरी बीवी को देखो, 70 साल का आदमी अपनी बीवी को किस कर रहा है, अभी 5 साल भी नहीं हुए, मगर तुझे उसके 70 साल दिख गए, बीवी उसकी चौथी है, वही दिख रही। और ये जो कहावत है एज इज जस्ट ए नंबर, इसको सही तरीके से ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। एक मैंने होटल के नीचे देखा 80 साल का लड़का आदमी ब्रांड में बच्चे को घुमाना, मैंने कहा वाह सो स्वीट योर आई ग्रैंडफादर का नाउ फादर, कहां पे लगे हुए ये करते हैं। इनके यहाँ का शादी का प्रोसीजर भी बड़ा इजी है ना गोरे लोगों में, इसलिए 3-4 भी लेते हैं, करते क्या है लड़की जाती है अपनी काली गाड़ी में, लड़का अपनी गाड़ी में जाता है, अकेले अकेले जाते हैं चर्च में जाके, है ना आपको ज्यादा रिश्तेदार होते हैं, काले काले सूट में सारे आए, लगता है शादी सर ड्रेस हो रही है, फादर खड़ा होता है उसके सामने एक दो गाल स्टार्ट कर लेते हैं, ये सब मेन कोर्स कम से पहले कर चुके होते हैं, इनका कोई चीजा नाराज होता है शादी वाले दिन ना था, ये अपने चीजा को बताते नहीं कि तुम चीजा हो, हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या घोड़ी पे बैठ के निकलता है, जुलूस निकलता पूरी सड़कें ब्लॉक, लोग भी ट्रैफिक में फंसे वो भी कुछ नहीं कहते, कहते चढ़ने दो घोड़ी पे भगते का ये पता चल गया। हमारे यहाँ पे तो मतलब रस्में हमारी इतनी होती हैं, इनके यहाँ पे रस्में खास होती हैं, सीधे गए शादी से काम करो, हमारे यहाँ पे रस्में इतनी हैं, रोका मिलनी ये वो, शादी के एक दिन पहले तक भी दूल्हे को छोड़ते हैं अकेले, उसको मेडिटेशन करने के बदला, उसके बाद कभी अकेले का टाइम नहीं मिलेगा। शादी के एक दिन पहले भी आप देखो, कभी आपने कभी देखा कोरे आदमी को शादी से पहले एक दिन हल्दी लगा के अंडर में बैठ के बैठा हो, हल्दी की रस्म हमारे घर होती है, दूल्हे को देख लो आप एक दिन पहले, लगता नहीं दूल्हा है, ऐसा लगता बड़ा मुर्गा मैरिनेट करके रखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप आज इतने सारे लोग साथ में बैठ के हंस रहे हैं, ये तो बीच में आप सबको पता है लॉकडाउन जब निकला बड़ा अजीब सा टाइम था, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस रहे हैं, और मुंबई में क्या हर जगह ऐसा एक ही जैसा हाल था, तब तो लोग ना सिर्फ निक्कर बनियान में आ गए, सबको पता था कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे, दिनेश ने तो जब मास्क लगाया ना तो उसने निक्कर भी उतार दी, कहता जब मुंह ही ढका हुआ है तो किसी को क्या पता सामान किसका है। लॉकडाउन में सबके अपने अपने एक्सपीरियंस रहे, किसी के थोड़े खराब रहे किसी के अच्छे रहे, मेरी खुशकिस्मती है कि जब पहला लॉकडाउन हुआ मेरे घर में बड़ी प्यारी बेटी ने जन्म लिया, एक शुक्रिया। आपको पता है कि जब पहली औलाद होती है उसकी खुशी अलग होती है, और पहली औलाद अगर आपकी बेटी हो फिर तो आप अपनी खुशी जाहिर ही नहीं कर सकते हो, जिनकी है उनको पता होगा।
अच्छा पहला लॉकडाउन हुआ मेरी बेटी हुई, दूसरा लॉकडाउन हुआ मेरे घर में बेटा हुआ। फिर जब खबरें आई ना कि तीसरा लॉकडाउन भी हो सकता है, तो मेरी बीवी कहती कहती तू चाहे बाहर जाके रिक्शा ही चला, तू घर से निकल है ना, क्योंकि बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है यार। अब हम खुद पेरेंट्स बने, जब तक हम माँ बाप नहीं बनते ना हमें पता नहीं चलता हमारे बाप ने क्या क्या सैक्रीफाइसेस किए होंगे। सो मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ कि माँ बाप का ख्याल बहुत रखा करो, बहुत प्यार किया करो, बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है। आप तो अमेरिका जैसी कंट्री में रहते हैं, आपको पता कितना मुश्किल है। हमारे वहां में जॉइंट फैमिली कल्चर है, बच्चा कब पैदा होता है तब पल जाता है पता नहीं चलता। एक्चुअली जब आप अकेले रहते हो तब पता चलता है। हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ माँ के हाथ में, फिर बाप के, फिर चाचा चाची दादा दादी बुआ बुई ताया ताई, जब तक बच्चा घूम के वापस आता है 6 महीने का हो चुका होता है। और जब तक बच्चे का पहला राउंड खत्म होता है माँ बाप का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। तो कब बच्चे पलते हैं कब पैदा हो जाते हैं कुछ नहीं पता चलता है। क्या करूं, टीवी देखा करूं क्यों? तो आप भी टीवी में देख लेते हैं, क्यों क्यों है? लव यू सर, शुक्रिया। कोई बात नहीं, क्योंकि लोग करके बाद पता नहीं होता बंदे ने क्या बोला, इंटेंशन आपकी गलत नहीं आया था। शुक्रिया शुक्रिया, दोनों तरफ आपकी लेडीज बैठी हुई है, कैसे आपकी वाली बहुत सही है, इधर वाली को कोनी क्यों मार रहा है? वाह वाह वाह, घर जाके पता चलेगा। आपको पता कई कंट्रीज में बच्चे पैदा करने बंद कर दिए लोगों ने, शादियां, आपने न्यूज में सुना होगा आयरलैंड या जापान, फिर एक दो और कंट्रीज है जहां पे लोग एक्चुअली शादी नहीं कर रहे और गवर्नमेंट पैसे दे रही है उनको कि आप प्लीज शादी करो, नहीं शादी करनी, किसी भी तरीके बच्चे पैदा करो ताकि दुनिया चलती रहे। मैं सोचता हूं कि शुक्र है ये स्कीम इंडिया में लागू हो गई कि आप बच्चे पैदा करो, गवर्नमेंट आपको पैसे, हमारी गवर्नमेंट कर्जे में आ जाए।